सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। माँ की ममता और पिता की क्षमता। जब बेटा समझ जाए तब धरती पे ही स्वर्ग बन जाता है। अपने रिश्ते और पैसों की कदर एक समान करी। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गवाना बहुत आसान। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। आज का पंचांग 23 जून 2022 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, रात्रि 9:41 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:09 से 50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 23 जून 2022 दिन गुरुवार, पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। खासे शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। दिन सुखद व्यतीत होगा, साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने की ऊर्जा भी बनी रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से संबंधित कोई उत्तम समाचार मिलने से प्रसन्नता रहेगी। इस समय अपनी क्षमताओं व ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। अपने जीवन में जागरूकता और सतर्कता बनाए रखें। आपके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय में बदलाव करना पड़ सकता है। अभी का समय बदलाव करने के लिए उपयुक्त है लेकिन यह बदलाव आपके लिए आसान नहीं होगा। मानसिक रूप से अनेक तकलीफों से गुजरना भी पड़ सकता है। काम के लिए डेडिकेशन रखें। पार्टनर बार बार निर्णय बदल सकता है, इस कारण आपको तकलीफ हो सकती है। शारीरिक कमजोरी भी महसूस हो सकती है। राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारी केंद्रीय सरकार में जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो उन्हें अब सफलता मिल सकती है। निजी संबंधों में उठापटक से पूरी तरह से बचें। छोट संबंधी सावधानी बरतें। सावधानियां। अपने स्वभाव में ईगो चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना उपजने दें। अफवाहों पर ध्यान ना दें तथा अपने कार्य पर समर्पित रहें। आय के साथ साथ खर्चे भी सामने आएंगे। कोई नकारात्मक गतिविधि परेशान कर सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों के बीच उचित संतुलन बना रहेगा। युवा वर्ग अपनी मित्रता के प्रति गंभीर भी रहेंगी। आपके दिमाग में अब प्यार रोमांस का जादू छाया हुआ है और अगर आप अकेले हैं तो अब आप गंभीरता से कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से किसी के साथ हैं तो अब सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने या इसे खत्म करने के बारे में सोचें। इनमें से किसी भी स्थिति में संबंध के मामलों में आज बड़े बदलावों की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गति से आगे चलेगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर ढकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रही हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि क्यों आप इस पद पर आगे की ओर बढ़ रहे थे और उसी पद पर आगे बढ़ते रहें। आज किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन उत्तम है लेकिन ज्यादा फायदे की उम्मीद ना करें। निकट भविष्य में अवश्य ही उचित परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। बात करती हैं सेहत की। काम की अधिकता की वजह से थकान और तनाव हावी रहेंगे। अपने आराम और स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना जरूरी है। जीवन के अन्य क्षेत्रों के अनसुलझे मुद्दों से आपकी सेहत भी प्रभावित होगी।
आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन काम और रिश्तों के तनाव के कारण आपको सोने आराम करने में समस्या आ सकती है। पेट की परेशानियां भी है, इसका समाधान यह है कि आप इसे शारीरिक समस्या ना मानकर अपने मानसिक तनाव से राहत पाने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप साईं बाबा जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।